हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीठे पुए, वो भी गुड़ की चाशनी से बनाएंगे। यहाँ ले लिया मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा, इधर 1 कटोरी है गुड़ जो मैंने छोटे छोटे तोड़ लिया, ये देसी गुड़ है दोस्तों। इधर मैंने ले लिया है कच्ची गरी, आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें नारियल ही अच्छा लगता है। नारियल और इलायची, ये 4 से 5 इलायची मैंने ले ली है। इसको महीन महीन कूट लेंगे, छिलका निकाल के इसमें हम डाल देंगे, लेकिन पहले हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी चल के। ठीक है, पानी में इसको मेल्ट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने दोस्तों आधा कप पानी ले लिया है 1 कटोरी में, आधा कप पानी से भी कम लेना है, थोड़ा ही लीजिएगा ताकि ये मेल्ट हो जाए खाली, बस इतना हमें। ये देखिए मेल्ट हो चुका है, इसको हम छान लेंगे, इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा, तब छानेंगे इसको। स्ट्रेनर ले लेंगे, छन्नी ले लेंगे, कप में या कोई बाउल में इसको छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे, क्योंकि उसमें मिट्टी भी होती है। जो बचा है उसमें रहने देंगे, बाकी जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हम आटा ले लेंगे, ये जो 1.5 कटोरी हमने आटा लिया था, ये आटा ले लेंगे सारा, और फिर इसमें ये जो हमने गुड़ का पानी था ना, जो ये ठंडा हो गया हल्का गुनगुना है, इसमें मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, सारा नहीं मिलाएंगे। मैंने क्वांटिटी अपने हिसाब से बता दी है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जिस तरह से बैटर हम पकोड़े का बनाते हैं, बेसन के पकोड़े या किसी का भी, या कढ़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं, उस हिसाब से हम बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको रनी नहीं करेंगे, बस इसको यूं करके मिलाना है ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो पानी हमने गुड़ का लिया था, गुड़ का जो स्ट्रेन किया था, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है वो भी इसमें पड़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बैटर हमारा हो गया है तैयार इस तरह से। इसमें क्या करेंगे, ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये नारियल इसमें डाल देंगे। इधर नारियल हमने डाल दिया है, ये हमने इलायची कूट ली थी, ये भी इसी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं वो, लेकिन जहां तक होगा गुड़ का बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, टेस्ट भी अच्छा आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी को गुड़ पसंद है, किसी को चीनी पसंद है। आप बताइएगा आप लोगों क्या कहाँ कैसे कैसे बनता है, गुड़ से बनता है कि चीनी से बनता है, प्लीज दोस्तों कमेंट में बताइएगा। इधर हमने ले लिया कढ़ाई में दोस्तों तेल, तो ये तेल मेरा पका हुआ है, आप घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है, ये सरसों का तेल है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आप घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, पकौड़ी की तरह ही डाल देंगे। सारे इसी तरह से डाल देंगे दोस्तों, इस तरह से पकौड़ियाँ सेकते हैं, आप बड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने डाल दिए सारे, धीरे धीरे पलट लेंगे इनको, बच्चों को बिल्कुल चॉकलेट की तरह टेस्ट आएगा। देसी गुड़ से बनाइएगा दोस्तों, जिस तरह से मैंने बनाया है, बिल्कुल सॉफ्ट है और लो टू मीडियम फ्लेम में हमें सेकना है, इसको हाई नहीं करना है, क्योंकि गुड़ के हैं कलर एकदम से अपना बदल देंगे, काले में हो जाएंगे। ये देखो गोल्डन ब्राउन हो भी गया एकदम, थोड़ा सा ज्यादा सेकेगा तो ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, तो इसको धीमे धीमे आंच में सेकिएगा आप। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से सीख गए हैं,
अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सारे निकाल लिए हैं तेल से। जब कलर ऐसा आया है, ऐसा ब्राउन बहुत डार्क हो जाते हैं क्योंकि गुड़ के बने दोस्तों, तो ये इसी तरह से रहेंगे। इनको बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा छिड़क लेंगे ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। आप इन्हें रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों को मेरे ये मीठे पुए आटे के, गेहूं के आटे के कैसे लगे हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।